Hello and welcome to the Kabaddi Adda powered by sportsbet.io. प्रो कबड्डी लीग में काफी इंटरेस्टिंग मोड आ गया है। आधे मैचेस ऑलमोस्ट सारे टीम्स के हो गए हैं और अब समय है रिवर्स फिक्स्चर्स का, यानी सेम टीम्स उन्हीं टीमों के साथ फिर से खेलेंगी। देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव आता है क्या, और अगर आए तो क्या बदलाव आएगा, यही आज हम डिस्कस करेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन द कबड्डी अड्डा। रोहित राणा जी नमस्ते, वेलकम टू द कबड्डी अड्डा। हेलो साहिल भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक रोहित जी। रोहित भाई, जैसे मैं कह रहा था, रिवर्स फिक्स्चर्स का समय आ गया है, ऑलमोस्ट आधी लीग अब खत्म हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं, क्या टीम्स की स्ट्रेटेजी आगे जाकर इसमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अब हर टीम ऑलमोस्ट दूसरे टीम के साथ एक मैच तो खेल चुकी है, तो क्या स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव होगा, और क्या जो एक्सपेरिमेंटेशन का समय है टीम्स के लिए वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से खत्म हो चुका है अब? ये तो है, क्योंकि अभी मैक्सिमम सारी टीमें सेट हो चुकी है अपनी अपनी, जो उनके स्क्वाड्स हैं, जितने भी सारे 7 प्लेयर्स या 12 प्लेयर्स के, वो सेट हो चुके हैं, तो अभी मेरे को लगता नहीं कोई चेंज करना पड़ेगा। बस भगवान ना करेगी किसी को इंजरी हो तो चेंज करना पड़े, वैसे तो कोई चेंजेस नहीं आएगी किसी भी टीम में, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा भी टीमों ने जैसे अभी एक गेम प्ले बना लिया अलग तरीके का, उन्होंने क्या कि अभी जितना वो डिफेंस में रेडर को अवॉइड कर रहे हैं उतना ही यही गेम प्ले चला है कि जितना हो सके रेडर को अवॉइड करो और थर्ड रेड में भी लास्ट 10 सेकंड या 5 सेकंड में उसको कैच करो, कि रेडर को सुसाइड करने का तो दे रहे हैं कि चांस दे रहे हैं कि हम नहीं छेड़ेंगे, वो खुद अंदर डीप घुसेगा तो कैच करेंगे। मैंने मैक्सिमम टीमों में ये चीज़ नोट करी है, क्योंकि सब डिफेंसिव ज़्यादा खेल रहे हैं कि जितना हो सके। आप दिल्ली की टीम देख लो, आप कोई भी टीम देख लो, तमिल तलाइवा देख लो, कोई भी, सब डिफेंसिव खेलना शुरू कर दिया सर। यस बिल्कुल रोहित जी, पहले सेगमेंट में बढ़ने से पहले बस एक बार मैं सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे प्लीज स्पोर्ट्स अड्डा को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे हम हैं स्पोर्ट्स अड्डा ऑफिशियल नाम से, और यूट्यूब पे स्पोर्ट्स अड्डा के नाम से है, और अगर आप ये करेंगे तो हमारे तरफ से आपके लिए ढेर सारी मर्चेंडाइज है जो आप जीत सकते हैं। इस वीडियो में भी आप मर्चेंडाइज जीत सकते हैं, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बहुत आसान सा सवाल है उसका जवाब कमेंट्स में दे दीजिए। इस समय का सवाल, हु इज द ओनली कोच टू विन टू सक्सेसिव प्रो कबड्डी टाइटल्स विथ टू डिफरेंट टीम्स, वो कौन से एकमात्र कोच है जिन्होंने एक के बाद एक दो प्रो कबड्डी के खिताब दो अलग टीमों के साथ जीते हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है प्लीज कमेंट्स में दीजिए। रोहित भाई, जैसे हमने पहले कहा था, सवाल और जैसे लीग और मुश्किल होती जा रही है, सवाल भी कहीं ना कहीं और मुश्किल होते जाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। रोहित भाई, इसी के साथ हम आते हैं हमारे मैच रिव्यूज पर। मैच रिव्यूज में सबसे पहले रोहित भाई मैं बात करना चाहूंगा बंगाल वॉरियर्स की, जो एक डिफेंडिंग चैंपियंस की फॉर्म होती है, क्योंकि ज्यादा बदलाव भी नहीं हुआ है बंगाल वॉरियर्स टीम में, जो डिफेंडिंग चैंपियंस की फॉर्म होती है वो कहीं बंगाल वॉरियर्स में दिखाई नहीं दे रही है, क्या आपको लगता है इस समय भी, खासकर पिछले मैच को देखकर जहां मनिंदर सिंह ने 17 पॉइंट किए थे, 19 जो रेड पॉइंट है उसमें से, इस समय भी अगर भगवान ना करे मनिंदर सिंह के बिना उन्हें कोई फाइनल खेलना पड़े इस सीजन भी, क्या आप उन्हें जीतते हुए देखते हैं? थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे सबको पता है कि मनिंदर इस टाइम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, और वो एक एज अ लीड रेडर खेल रहे हैं, आपने पिछले मैचेस भी देखे होंगे जिसमें मनिंदर ने काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में टीम को लाया है। जैसे मनिंदर बेंच में बैठ रहे हैं वैसे ही टीम थोड़ा सा डाउन जा रही है या फिर प्लेंटी ले ले रही है, तो ये कहीं ना कहीं उस टीम के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखें जैसे कि मैक्सिमम जिस टीम में मेन रेडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंजरीज होना शुरू हो गई हैं। जैसे आप नवीन को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, आप पवन को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, सबको इंजरीज होना शुरू हो गई है। बाहुबली सिद्धार्थ देसाई भी भारी है अभी, क्योंकि उनको भी इंजरी है। तो क्योंकि
अगर आप एक प्लेयर पे ज्यादा बर्डन देंगे तो वो टीम आगे जाके वो जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड होगा, क्योंकि एक चीज एक शरीर इतना लोड नहीं ले पाता है। और ये तो मनिंदर भी अभी चल रहे हैं, चलो भगवान ना करे उनको कुछ हो, हम तो ये दुआ करेंगे, बट इनको मुश्किल होगी अगर मनिंदर को कुछ हो, इंजरी होती है या फिर या वो रेस्ट लेते हैं तो थोड़ी तो इंजरी होगी, क्योंकि मतलब वैसे तो क्योंकि बहुत लंबा टाइम है अभी, और एक रेडर को आप कंटिन्यू खिला रहे हो, एक रेडर आप पूरे मैच में कंटिन्यू रेडे मार रहा है, स्कोर ला रहा है, कैच खा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो बॉडी है उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई इंजरी होने का डर है, तो सके उनको टीम को थोड़ा सा टीम वर्क करना पड़ेगा। अभी रन सिंह आएगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं रन सिंह, तो कहीं ना कहीं मनिंदर को उनको सपोर्ट मिला है रन सिंह का कि चलो डिफेंस में है, बाकी भी जैसे डिफेंस में एक अच्छा खेलता हो धीरे धीरे सब अच्छा खेलना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी उनके मेन रेडर प्रपंचन को चोट लग गई है कि वो भी उनके रेडर थे, सेकंड रेडर वही थे, अभी उन्होंने अच्छा कर स्टार्ट किया था। हाँ तमिल तलावा के प्रपंचन है, हाँ तो वैसे जैसे कि रेडर्स हैं तो इनको इंजरी का सामना करना पड़ रहा है सब, कोई भी अब कोई भी टीम को देख लीजिए, कोई भी टीम की मेन की रेडर देख लीजिए आपको, सबको इंजरीज होना शुरू हो गई है। रोहित जी अब एक रिवर्स सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे अब हमने कहा कि एक टीम में जो लीड रेडर है ज्यादा पॉइंट्स ला रहे हैं, पटना पायरेट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स का मैच यदि हम देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक रेडर पे आप जितना प्रेशर डालेंगे उतना रेडर की इंजुरी के भी चांसेस है और टीम उनके लिए स्ट्रैटेजी भी बनाएगी। पटना पायरेट्स इस बार जो उनके एक तरीके से हम मेन रेडर कह सकते हैं मोनू गोयल जो फॉर्म में चल रहे हैं उनके बिना खेला और उनके बिना खेलकर भी बिल्कुल डिफेंस पर खेल के मैच पूरा जीत गए, जैसे सुनील का हमने देखा 9 टैकल पॉइंट किए अपने कॉर्नर से उन्होंने, और गुमान सिंह है जो बेंच पर थे अब तक वो आए और उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया स्कोरिंग में। तो पटना पायरेट्स की जो टीम है वो कहीं ना कहीं इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करते हैं कि बस एक प्लेयर के ऊपर मत निर्भर रहिए, पूरी टीम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना जरूरी है। साहिल भाई जैसे मैंने आपको कहा था कि इस प्रो में सबसे बैलेंस टीम मानी जा रही है इस टाइम पटना पायरेट्स, क्योंकि अगर आप मुझे उसमें से ये बोले कि आप इसमें से कोई टॉप प्लेयर निकाल के दो तो मैं वो नहीं निकाल सकता, मैं आप बोले कोई टॉप डिफेंडर निकाल के दो वो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप देख सचिन भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सही दे रहा है, प्रशांत राय अपना अच्छा दे रहे हैं, डिफेंस अपना अच्छा दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो उनका मेन रेडर है जो उनका की रेडर है टीम उस पर डिपेंड नहीं करती है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उस टीम का, क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, अगर वो उस पर डिपेंड करेगी तो टीम में 100 में से 90% चांसेस होते हैं कि टीम हारेगी, तो उसको कुछ भी कैच लगी, जैसे पवन शरावत को ले लो, कम से कम कल वो 25 मिनट आउट ऑफ मैच रहे, 25 मिनट वो मैच से बाहर रहे हैं, तो इसका जो नुकसान है वो टीम को हो रहा है, पर यही नुकसान अगर मोनू को एक बार बैठे रहे, सचिन बैठे रहे, प्रसाद राय बैठे रहे, नहीं डिफेंस अपना काम कर रहा है, क्योंकि डिफेंस को पता है कि हमने काम करना है, एक चार कैच मार रहा है, कोई दो कैच मार रहा है, कोई एक कैच मार रहा है, कोई कैच नहीं मार रहा है पर डिफेंस कर रहा है, तो ये बैलेंस टीम है, ये होगी तमिल तलावा होगी, पर इस टाइम सबसे बेस्ट मुझे पटना इसलिए रैंकिंग वन में भी इसलिए क्योंकि इस टाइम पूरे प्रो सीजन की वो ना उसमें कोई बहुत बड़ा नाम है और ना कोई बहुत बड़ा छोटा नाम है, उसमें बैलेंस टीम है, पूरी बैलेंस टीम है और बहुत ही खूबसूरत खेल रही है, मैंने कल भी मैच देखा, बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैच देखे कि सब अपने हल्का हल्का परसेंटेज दे रहे थे, जिससे 100% पूरे किए, कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, तो आप मुझे ये बोलोगे कि इसमें से कोई एक बेस्ट प्लेयर निकालो या बेस्ट डिफेंडर निकालो या कोई भी निकालो तो हमें मुश्किल होगी, क्योंकि सातों के सातों प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, बेंच भी अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे हमने 7 प्लेयर्स अच्छे खेलने की बात की, मगर जैसे हर मंडे को हम करते हैं एक प्लेयर ऑफ द वीक हमें निकालना होगा, तो रोहित भाई प्लेयर ऑफ द वीक आपके इस बार के कौन है? मेरे प्लेयर ऑफ द वीक है मनिंदर सिंह मनी, उनका निक नेम मनी, हम प्यार से मनी कहते हैं उनको, और 129 रेड पॉइंट है उनके, और उनके सुपर 10 भी में कंटिन्यू के सुपर 10 कर रहे हैं वो, उनके एवरेज भी बहुत अच्छी चल रही है पर पॉइंट, तो मुझे उनका मतलब ये कहने का मतलब वो नहीं समझता कि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँ, क्योंकि उनका गेम दिखता है चाहे वो कोई भी, जैसे आप यू मुंबा के साथ मैच देख लो, आउटस्टैंडिंग मैच खेले हैं वो, कि मुझे लगता है कि उनके एक एक मूवमेंट में मुझे सबका ये मानना है कि मनी खेलते हैं पावर से, सबको मानना ही है पावर से,
बट मैंने यू मुंबा के मैच में देखा कि वो पावर से नहीं दिमाग से भी खेलते हैं, क्योंकि जब वो चार प्लेयर थे तो दो ने उनको सिंगल किया तो वही वो वही स्टॉप हो गए। उन्हें देखा कि रेडर झुक के आ रहा है, उनको टैकल कर सकता, वही स्टॉप हो गए। वो जैसे आया ऊपर से जंप करके दो पॉइंट ले आए वो। तो ये स्किल्स है उनके अंदर, पर वो थोड़े मस्कुलर है तो लोगों को लगता है कि वो पावरफुल है। वो पावरफुल भी है, स्किलफुल भी है और मेंटली भी अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल। और एज अ कैप्टन भी मनिंदर सिंह का काफी अच्छा योगदान रहा है। बंगाल वॉरियर्स जो बीच में एक स्ट्रीक पे थी कि वो मैचेस जीत नहीं पा रहे थे, जरा बुरा स्ट्रीक शुरू था, उसके थ्रू भी मनिंदर सिंह ने टीम को लाया है। तो एज अ कैप्टन भी मैं समझूंगा उनका काफी योगदान रहा है, इसलिए भी वो हमारे प्लेयर ऑफ द वीक। एक और प्लेयर जिनका परफॉर्मेंस मैं बस डिस्कस करना चाहूंगा इस सेगमेंट में, वो है सुनील, जो कॉर्नर थे जैसे मैंने कहा पट्टा पायरेट्स के, 9 टैकल पॉइंट एक मैच में। ये रोहित भाई आपको ही पता है, एज अ डिफेंडर कोई आम बात नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना चाहिए इतने स्कोर के लिए। जी ये बहुत, एक तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप अपना कंटिन्यू कैचेस करते हैं, जब एक डिफेंडर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आज तो मेरी सारी कैचेस सक्सेस हो रही है, तो वो कंटिन्यू कैचेस मारता और होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हैं ना, जहाँ हाथ डालो वहाँ से सोना निकाल लो, वो वाला होता है कि आप जहाँ कैच मारोगे वहीं कैच लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी परफेक्ट कैच भी मारोगे तब भी रेडर निकल जाता है। तो ये तो ये है, पर इसमें कि कॉन्फिडेंस, सारी गेम है कॉन्फिडेंस की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसको मैं कैच कर सकता हूँ तो कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, उनको पता कि मैं बाहर बैठूंगा, मेरा कोई ना कोई रेडर या मेरा कोई ना कोई डिफेंडर मुझे उठा के अंदर वापस ले आएगा, मैं फिर ट्राई करूंगा। तो क्योंकि जो टीम के साथ मैच था उनका, उनके रेडर्स भी लेफ्ट के अच्छे रेडर्स थे, ठीक है, और बाकी राइट के भी थे, उन्हें अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मर, बहुत अच्छा कम्बिनेशन देखने को मिला। और आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं खेला, सब बेस्ट खेले मेरे से, तो मतलब बहुत बैलेंस खेला है। और आपने देखा होगा उन्हें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं की उनने, मतलब एक होता है ना कि यहाँ से पॉइंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसे ये सिस्टम नहीं उनका, बैलेंस खेलते हैं बिल्कुल स्मूथली। कब दूसरी टीम को लोना लग जाता है, कब वो हार जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल, काफी बैलेंस्ड गेम प्ले रहा है जैसे रोहित जी आपने कहा। तो क्या पटना पायरेट्स ही इस हफ्ते की है आपकी टीम ऑफ द वीक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे इस वीक की है पटना पायरेट्स, क्योंकि मैंने उस टीम को कभी भी ना ज़्यादा मार्जिन से जीतते हुए देखा है, ना ज़्यादा मार्जिन से हारते हुए देखा। वो बैलेंस रहती है, वो धीरे धीरे चलती है, वो धीरे 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 40 मिनट अपना काम करके जीत के निकल जाती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है वो 10 पॉइंट से जीत रहे हैं, 1 पॉइंट से जीत रहे हैं या 1 पॉइंट से हार रहे हैं, वो अपने बैलेंस तरीके से चलते हैं। आप देखते हैं ना, वो लोग इस टाइम भी मोनु गोयत बार बिठाया, उनने एक नए प्लेयर को अंदर इन किया उनने, तो ये भी एक बहुत ऐसे मूवमेंट में एक प्लेयर को, नए प्लेयर को अंदर खिलाना, ये भी बहुत एक कोच की, मैं इसकी चीज़ की सराहना करूंगा कि इतनी बड़ी इतना बड़ा डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने जो टीम है वो उस टाइम टेबल उसमें सबसे नंबर वन पर चल रही है, और इतने बढ़िया डिफेंडर है उस साइड भी, क्योंकि बंगाल बुल्स का इस टाइम सॉरी अपना बेंगलोर बुल्स का सबसे अच्छा डिफेंस माना जा रहा था अभी। बट इसमें ये टीम इसलिए खास है पटना पायरेट्स, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट करी होगी, बेंगलोर बुल्स है वो कभी डिफेंस अच्छा खेलती है, कभी थोड़ा लूज कर जाती है, फिर कभी अच्छा खेलती है, कभी लूज करती है, पर पटना पायरेट्स का डिफेंस और रेडिंग दोनों बैलेंस चल रही है। बिल्कुल, इसलिए है वो हमारे टीम ऑफ द वीक। अगला सेगमेंट जो है मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, मगर उसके पहले एक और बार सारे व्यूअर्स को मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिए, और स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज जो हमारे पास है, हम चाहते हैं कि वो आप जीते। वो मर्चेंडाइज जीतने के लिए एक कॉन्टेस्ट में आपको भाग लेना होगा। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एक बहुत आसान सा सवाल है उसका जवाब हमें कमेंट्स में दीजिए। इस बार का सवाल, हु इज द ओनली कोच टू विन टू सक्सेसिव प्रो कबड्डी टाइटल्स विद टू डिफरेंट टीम्स? वो कौन से एकमात्र ऐसे कोच है जिन्होंने दो अलग अलग प्रो कबड्डी टीम्स के साथ दो बार लगातार प्रो कबड्डी का खिताब जीता है? रोहित भाई, जैसे हम अब करते हैं, पिछले बार के जो विनर है उनका नाम भी आज हम अनाउंस करने वाले हैं। तो पिछले बार के विनर है विजुअलाइजिंग द व्यूज
ये उनका यूट्यूब पर नाम है विजुअलाइजिंग द व्यूज। तो आप है हमारे विनर, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप ढेर सारी स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीत चुके हैं, हमारे बाकी के व्यूअर्स भी जीत सकते हैं इस बार के कॉन्टेस्ट में भाग लेकर। रोहित जी चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट या एम्प्टी रेड में। जी जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं, पॉइंट या एम्प्टी रेड में मैं एक सेंटेंस या एक वाक्य बोलता हूं और अगर रोहित जी उससे एग्री करते हैं तो वो कहेंगे पॉइंट, अगर वो उससे एग्री नहीं करते तो वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेड। रोहित जी तैयार है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी पहली रेड ये रही, दीपक हुड्डा की बतौर रेडर जो भूमिका है वो जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए ज्यादा जरूरी होती जा रही है। ये आपका पॉइंट है और मेरा मानना ये है कि दीपक हुड्डा इस टाइम एज ए कैप्टन बहुत अच्छे गेम खेलते हैं, जो मेरा मानना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कैप्टन हैं तो आपको अपने परफॉर्मेंस का भी टेंशन होता है कि मेरा परफॉर्म कैसा जा रहा है, क्या कैसा नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात कि दीपक हुड्डा एक ऑलराउंडर है, तो उनका मैच में रहना भी बहुत ज़रूरी है, रेडिंग में पॉइंट लाना भी बहुत ज़रूरी है। पर मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया, बट तो उनका जो लास्ट जो मैच हुआ था उन्होंने उस मैच में बहुत टाइम टाइम पे स्कोर लाया, तो ये मैटर नहीं करता कि आप सुपर 10 कर रहे हो या सुपर 20 कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता कि आप टीम के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसके लिए, कितना उसको बेनिफिट दे रहे हो। जब आपका चार रेड भी ला रहे हो तो अगर टाइम पे ला रहे हो तो बेस्ट। इसलिए मुझे उनकी इस चीज़ से ये कि वो रेडिंग करें। पर जैसे कि अभी अर्जुन जयसवाल को फर्स्ट रेडर रखा गया, अगर यही अगर दीपक हुड्डा को फर्स्ट रेडर रखा जाए तो वो भी सुपर 10 करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को रुक के चल रहे हैं, मेंटली गेम खेल रहे हैं, मतलब माइंड गेम खेल रहे हैं कि अगर वो डू एंड डाई में ज़्यादा खेलना शुरू किया उन्होंने तो ये बहुत अच्छा है। उनका टीम में रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डिफेंस भी करते हैं, रेडिंग भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत है। बिल्कुल, और जैसे आप कह रहे थे ये बात कि जो कैप्टन्स है इस बार एज अ कैप्टन ज्यादा बेहतर कर रहे हैं और एज अ रेडर कई बार हमने देखा फर्स्ट रेडर कैप्टन बन जाते हैं तो उनपे रेडिंग का भी प्रेशर आता है, टीम को संभालने का भी प्रेशर आता है। इस बार कैप्टन सीनियर भूमिका निभा रहे हैं, यंग रेडर्स को फर्स्ट रेडर के तौर पर खिला रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। दूसरी रेड रोहित भाई हमारी, पटना पायरेट्स के अटैक में शायद सचिन तन्वर को इस बार रेडर की भूमिका के लिए जरा लड़ाई होगी। नहीं, इसमें वैसा कुछ नहीं है पॉइंट में, क्योंकि आपको ये पॉइंट एम्प्टी रेड है क्योंकि स्कोरिंग में उनको ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा देखने जैसे मैंने उनको एनालाइज किया कि उनको ऐसा नहीं है कि हमको मतलब हाई स्कोर करना है रेडिंग में या कैसे भी करना है। वो अपना जैसे चार स्कोर हो गया पूरे मैच में या पाँच हो गया, दस हो गया, छः हो गया, सात हो गया, उनको मैटर नहीं करता। उनकी टीम में ये है कि टीम जीतनी चाहिए बस, मैं ये नहीं बोलता बाकी टीमों में कि ये है कि हमें सुपर टेन करना है, ऐसा नहीं। क्योंकि तो बाकी टीमों में कहीं ना कहीं टीमें एक मेन रेडर पर निर्भर है, कहीं कोई अब जितनी मैक्सिमम टीमें देखो कोई ना कोई टीम किसी न किसी में निर्भर है। जैसे पटना पायरेट्स हो गई, अपना हरियाणा स्टीलर हो गई, सुरजीत की टीम हो गई, अपना तबिल तलाइवा, इसमें एक ही है कि कोई इतना बड़ा रेडर नहीं है और उनको कहीं ना कहीं एक साथ चलना पड़ रहा है सभी को, और एक साथ टीम गेम के साथ चलना पड़ रहा है डिफेंस में भी ऑफेंस में भी। तो बाकी टीमें देखो सब में एक बड़ा रेडर है, की रेडर है, सब उस पर ज़्यादा डिपेंड है। अगर उनको हटा दो तो आपको टीम की सच्चाई पता लगेगी धीरे धीरे कि मतलब अगर टीम सातों के साथ अच्छा खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये कि किसी एक मेन रेडर पर आप डिपेंड ना रहे, आप टीम गेम है, अपना अपना काम करें और टीम को जिताएं, और यही होना चाहिए टीम गेम प्लेयर। बिल्कुल रोहित जी, तो ये हो गई एक एम्प्टी रेड। अगली रेड जो है हमारी, गुजरात जायंट्स को अपने स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा अगर उन्हें प्लेऑफ्स के रेस में रहना है तो। हाँ, अब ये पॉइंट है, बट अभी उनकी क्या प्लानिंग है वो तो अभी उनका मंत्री सर ही मतलब बाजू जाने की वो क्या प्लानिंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं डिफेंस को थोड़ा एग्रेसिव करना पड़ेगा, उनको डिफेंस लास्ट के 5 मिनट में एग्रेसिव हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। एग्रेसिव स्टार्टिंग से एग्रेसिव होना पड़ेगा डिफेंस को। रेडर्स तो अपना काम कर रहे हैं, बहुत बसरते अपना अच्छा काम कर रहे हैं रेडर्स, बट डिफेंस को कहीं ना कहीं अपना काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात उनका ये है कि उनके जो मेन डिफेंडर्स हैं वो थोड़े इंजर्ड हैं, सबसे बड़ी बात है। गिरीश इंजर्ड है, ऋतुराज इंजर्ड है,
तो कहीं ना कहीं ये इंजरी की वजह से कहीं ना कहीं टीमें भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाउन जा रही है, क्योंकि इंजरीज बहुत अभी आप देख लो कई अभी आने वाले मैचेस में देखना, अगर जो टीम के प्लेयर कल भी मेरे ख्याल से पपंजन भी इंजर्ड हुए हैं कल, उससे पहले नवीन के नी में इंजरी हुई है और दो तीन प्लेयर ऐसे जो अपने शोल्डर, जैसे श्रीकांत के भी शोल्डर में इंजरी हुई, थोड़ी इंजरी हुई थी पर तब भी उन्हें कम बैक किया, बट वो तो उसमें वार्म अप होता तो अगले दिन पता लगता है। पर अभी देखो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको टीम का पता चलता जाएगा कि कौन परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है कौन नहीं। बिल्कुल, तो दो हमारे पॉइंट रहे, एक एम्प्टी रेड रही है आखिरी रेड इस सेगमेंट की। नवीन कुमार को पिछले इंजरी के बाद इस गेम में सीधे खिलाना दबंग दिल्ली के तरफ से एक गलत मूव रहा। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सहमत हूँ, पॉइंट है आपका, बहुत अच्छा बात बोली है आपने कि एक तो उनको एक बड़ी इंजरी है और सबसे बड़ी बात बहुत बड़े रेडर है, मतलब इस टाइम प्रो में सबसे बड़े रेडर में रेडो में वो शुमार है, वो हो गए पवन हो गए। अगर मैंने आपको उस दिन भी कहा था जैसे प्रदीप मरवाल को, मैंने कहा इंजरी है तो प्लेयर को बाहर रेस्ट करना चाहिए, इतना एफर्ट्स नहीं करना चाहिए, जैसे अभी प्रदीप नरवाल है उनको सपोर्ट है बाकी रेडरों का, तो कहीं ना कहीं नवीन को इतना सपोर्ट नहीं है रेडरों का, क्योंकि वो कंटिन्यू रेड्स करते कैच खाते हैं फिर रेड करते हैं, कैच खाते हैं फिर रेड करते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से मेरा ये मानना यह था कि अगर वो टॉप स्कोरिंग में थे वो तो एक या दो मैच का उनको रेस्ट लेके फिर रिकवरी अच्छी करके फिर खेलना चाहिए था उनको, बहुत जल्दी मैच भी उतारा क्योंकि जीतना था और उनको फिर नी की मेरे ख्याल से भी नी की इंजरी हुई है। फिर मैच के दौरान मैंने कमेंट्री में एक बार सुना कि उन्होंने अपने माइक में कुछ डॉक्टर ने बोला होगा कि अब रेस्ट करो, उन्होंने बोला कि नहीं मैं खेलूंगा इंजरी के बावजूद भी, पर ये तो उनकी इस जो इनका जो खेल के प्रति जो जोश है इसके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये हर प्लेयर के अंदर होता है, आप इंजर्ड हो जाओ तो आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी टीम के लिए अपना 100% दूंगा, बट ये उस टाइम जोश में थोड़ा थोड़ा ना ऐसा होता है कि आपका आगे का फ्यूचर थोड़ा ख़राब होता जाता है, जैसे कि आप इंजरी में आप खेलोगे फिर और इंजरी होगी और बड़ी बड़ी होते होते बहुत बड़ी इंजरी हो जाएगी, फिर आपको दो मैच की जगह आपको 2 साल का रेस्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि दो मैच रेस्ट किया तीसरे मैच में उतरे, क्योंकि हमें मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं सीजन 4 में टूटे अपने ACL MCL अपने नी की इंजरी के साथ खेला था मैंने जब हमारी टीम फाइनल में पहुंची थी, तो मुझे पता है कितना बड़ा नुकसान होता है अपने बॉडी का, और आप वही कहा ना आपको दो मैच की जगह आपको 2 साल का रेस्ट करना पड़ जाएगा, क्या फायदा होगा। बिल्कुल, तो शायद अगले मैच में हम देखें कि नवीन कुमार रेस्टेड रहे और उम्मीद है कि जैसे लीग आगे बढ़ेगी तब पूरे फिटनेस पर आ जाए। तो पॉइंट या एम्प्टी रेड में इस बार 3 रहे हमारे पॉइंट, 1 रही एम्प्टी रेड। बिल्कुल बुरा नहीं रहा, अच्छा ही रहा ये सेगमेंट हमारे लिए। रोहित भाई अगले सेक्शन में बढ़ते हैं जिसमें हम कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे, जो है हमारा ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स। और इस बार के हमारे लेजेंड है संजीव बलियान जी, जो इस बार जयपुर के कोच है, पिछले बार मुझे लगता है यू मुंबा के कोच। बिल्कुल, मैं संजीव जी को पहली बार मिला था, आई थिंक तभी वो टीम कोच नहीं थे, मैं उनको एक NYP जो प्रोग्राम होता है प्रो कबड्डी का, जिसमें नए टैलेंट को स्काउट करते हैं, उसमें मुझे लगता है मनप्रीत जी थे और संजीव जी थे, और जैसे वो एज अ मेंटर जैसे वो यंग माइंड से बात करते हैं और जैसे उनको इंस्पायर करते हैं मोटिवेट करते हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी देख के वो कैंप में, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चे आए थे, 18 साल के 19 साल के काफ़ी यंग बच्चे थे उस कैंप में, तो एज अ मेंटर मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर। मगर एज अ प्लेयर एंड एज अ पर्सन रोहित जी, मुझे लगता है आप शायद उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, तो उनके बारे में कुछ हमें बताएं रोहित जी, और कुछ कहानी जो आपकी उनके साथ रही हो। हाँ एक्चुअली मतलब जब मैंने नेशनल्स खेलना शुरू किया था तो मेरे ख्याल से उनका वो लास्ट नेशनल था जब मैंने लास्ट ईयर सेकंड लास्ट नेशनल ना हाँ लास्ट नेशनल था जब मैंने खेलना शुरू किया था, जब मेरे एक दो नेशनल हो गए थे, तो मैं उनके साथ खेला नहीं हूँ बट मैंने उनको खेलते हुए देखा है नेशनल्स में, तब मैं बहुत छोटा मतलब छोटा क्या मतलब 3 ईयर्स में होता था, 14-15 ईयर्स का होता था उस टाइम, मैंने उनको तब देखा था खेलते हुए, तो उसके बाद फिर वो वेट का कैटेगरी आ गया और शायद उसके बाद मैंने रिटायरमेंट भी ले ली, तो मतलब वो वैसे बहुत अच्छे हैं। फिर उनके बाद जब वो एक बार अपने यहाँ पे मुंबई में आए थे हमारे पास, मैं हम लोग एरिया में रहते थे, मैं
अजय ठाकुर, अनुप कुमार, हम सब एयर इंडिया में थे, तो वो आए थे अपनी नी के ऑपरेशन के लिए आए थे, तो उनके दोनों नी का ऑपरेशन था वहाँ पे, तो मुंबई हमारे पास ही, हमारे वहीं पर फ्लैट में रुके थे, तो काफ़ी अच्छी बातें करते थे, मतलब पुरानी बातें करते थे, क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे प्लेयर थे वो, बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे मेरे ख्याल से, तो अगर इस टाइम वो प्रो में, इस टाइम की अगर उनके टाइम में प्रो होती तो वो मेरे ख्याल से सबसे महंगे प्लेयर होने थे और सबसे परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर भी होते थे, क्योंकि उनको एक कबड्डी का भगवान कहा जाता है उनको, मतलब उनको जैसे हमने सुना है, मैंने देखा भी खेलते हुए, हमने सोचो आपने, हमने तब देखा है जब वो रिटायरमेंट हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे तब भी वो आउटस्टैंडिंग खेलते थे, अब सोचो जब वो यंग होंगे तो कितना तबाही मचाते होंगे, तो मतलब उनको कबड्डी का भगवान माना जाता है। हमने कबड्डी फील्ड में, मैंने दो ही आदमी को सबसे ज़्यादा नाम सुना है, एक बलविंदर फिड्डा, बलविंदर फिड्डा जी है, वो शायद अभी है, अभी नहीं हमें पता नहीं, हम तो बहुत सब छोटे होते थे, और एक संजीव बालियान, ये दो प्लेयर हैं जिनका मैंने बचपन में हमेशा नाम सुना कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर होते हैं, मतलब बहुत ही, मतलब सुनते थे कि मुझे अजय ठाकुर बताता था कि क्या बोलते बलविंदर फिड्डा है, वो ऐसा ऐसा प्लेयर है, तो हम सुनते थे। संजीव बलियान तो हम देखे थे खेलते हुए, वो भी जब वो रिटायरमेंट के दौर पे थे तो हमने देखे थे वो खेलते हुए, तो मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और उनको कबड्डी का भगवान माना जाता है, और काफ़ी अच्छे स्किल्स थे उनके पास, और दिल से भी बहुत अच्छे आदमी है। मैंने उनके साथ, हमारे पास ऑपरेशन के बाद आए तो हम लोग उनकी हेल्प करते थे कि बाथरूम यहाँ जाने के लिए, वहाँ कहीं भी जाने के लिए, तो वो हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते थे कि अच्छा बेट बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा भी गेम के बारे में बताते थे, तो फिर मतलब बहुत इमोशनल भी है और दिल के भी बहुत साफ आदमी है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बातें आपने शेयर की है संजीव बलियान जी के बारे में, और इस बार भी हम उन्हें एक्शन में देखेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच के तौर पर। तो आखिरी सेगमेंट जो हमारी है रोहित जी, उसमें बढ़ने से पहले एक आखिरी बात सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीतने का आपके पास इस एपिसोड में भी मौका है। अगर आपको मर्चेंडाइज जीतनी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब कमेंट्स में दे दीजिए। इस बार का सवाल एक आखिरी बार, Who is the only coach to win two successive pro kabaddi titles with two different teams? वो कौन से एकमात्र ऐसे कोच रहे हैं जिन्होंने दो बार लगातार दो अलग अलग टीमों के साथ प्रो कबड्डी का खिताब जीता है? तो जो प्रो कबड्डी देखते हैं उनके लिए ये सवाल शायद आसान हो सकता है, शायद मुश्किल हो सकता है, पर उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग इस कॉन्टेस्ट में भाग ले और हमारी मर्चेंडाइज जीते। रोहित जी, इसी के साथ बढ़ते हैं राणा की रेड में, जो है हमारी आखिरी सेगमेंट। इस सेगमेंट में रोहित भाई हमें प्रेडिक्शंस देते हैं अपने आने वाले मैचेस के लिए, और काफी हद तक हमने देखा है रोहित जी के प्रेडिक्शंस सही होते हैं और कभी कभी बहुत मुश्किल प्रेडिक्शंस होते हैं, उनमें भी रोहित जी बिल्कुल सही रहते हैं। तो इस बार रोहित जी आज के मैच से शुरू करते हैं, पुनेरी पल्टन वर्सेस यूपी योद्धा। पुनेरी पल्टन। तेलुगु टाइटंस वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स। ओके, एक जरा मुश्किल टाई आपकी तरफ, नॉर्दर्न डार्बी कह सकते हैं इसे, दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स। ये भी टफ है, पटना पायरेट्स। ओके, दो डिफेंसिव टीमों की लड़ाई, गुजरात जायंट्स वर्सेस यू मुंबा। ये थोड़ा टफ है, यू मुंबा से, यू मुंबा। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन। ओके, एक और मौका तेलुगु टाइटंस को अपनी पहली जीत दर्ज करने का, जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस, क्या कर पाएंगे रोहित भाई? जयपुर तो आपको पता ही है, इन्फो अभी बिल्कुल फॉर्म में चल रही है, कंटिन्यू विनिंग्स कर रही है, तो थोड़ा मुश्किल होगा तेलुगु टाइटंस के लिए, अगर डिफेंस सेट हो गया तो डेफिनेटली वो जीत सकते हैं, क्योंकि वो डिफेंस, उनका भी काफ़ी अच्छा डिफेंस है, डिफेंस ऑफेंस सब कुछ अच्छा, अभी अच्छा कम बैक किया जयपुर पिंक पैंथर ने, तो मैं आशा करता हूँ तेलुगु टाइटंस भी अच्छा कम बैक करे। बिल्कुल, मगर आपका प्रेडिक्शन होगा रोहित भाई इस मैच के लिए? जयपुर। ओके, तमिल थलाइवास वर्सेस गुजरात जायंट्स। तमिल थलाइवास। ओके, एक रिवर्स फिक्स्चर जो हमें देखने मिलेगा, जो अभी अभी हुआ है और जिसका रिजल्ट हमने देखा है,
बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पटना पायरेट्स एक बार फिर। पटना पायरेट्स। ओके, तो रिवर्स फिक्स्चर में भी आपको रहता है पटना पायरेट्स जीतेंगे। देखते हैं, टेबल के टॉप की मैच है तो जो भी टीम जीतेगी टॉप में जाने की और चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। रोहित भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और आपकी कहानियां और आपकी ढेर सारी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सहेल भाई, थैंक यू। और सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, एवरी मंडे और फ्राइडे कबड्डी अड्डा के नए एपिसोड्स आते हैं, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि हर बार जब एपिसोड आए तब आपको एक हमारी तरफ से मैसेज आ जाए कि नया एपिसोड आ चुका है। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, अगली बार फिर मिलेंगे इन द कबड्डी अड्डा।